wiggle, wiggle. Like. स्नाइपर ओनली चैलेंज। अब यार ये चैलेंज मेरे लिए पर्सनली बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला था, बिकॉज गाइस सही में जो लोग मुझे जानते हैं मैं सही में बिल्कुल भी स्नाइपिंग नहीं करता हूँ, ये चीज़ उन्हें पता है। और अगर मैं करता भी हूँ तो मेरी टूटी फूटी स्नाइपिंग से क्या ही हो जाता है, मतलब सही में इक्का दुक्का शॉट ले आते हैं और बाकी तो मैक्सिमम मिस ही होते हैं। लेकिन गाइस ये बहुत लोगों की डिमांड थी कि भाई प्लीज़ ये चैलेंज करो, पूरी गेम में सिर्फ और सिर्फ स्नाइपर ही चलाओ। तो गाइस यहाँ पे देखो यार, बगल में जॉर्ज पुल था जरूर, लेकिन वहां मैं जा नहीं सकता था बिकॉज वहां नहीं पता कि स्नाइपर मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और अगर सिटी में भैया मैं कूद जाता हूं, लेकिन सिटी में अच्छे खासे बंदे कूदे हैं। फिलहाल किस्मत इतनी अच्छी थी कि जैसे इस घर में आए शॉटगन के साथ साथ यहां मिल जाती है कार 98। लेकिन घातक को अभी गेम में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा स्नाइपर के लिए, लेकिन उसकी बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल उससे पहले बात करूं अभी यहां की, तो मैं कूदता यहां सिटी में और जहां मैं यहां पे लूट कर रहा होता हूं मस्त तरीके से। और गाइस तभी सामने जाते हैं ये कुछ फायरिंग शॉट, अब यार इस बंदे को तो नॉक कर दिया। बट गाइस अभी भी वहां पे उसका टीममेट भी साइड से है जो कि लेफ्ट से ही मेरे को ज्यादा दिख गया है। तो यार कंफर्म करने के लिए मैंने वहां की तरफ एक सोनिक पावर थ्रो करी और देखो उसका टीममेट आ चुका है। अब यार जैसे तैसे अपनी टूटी फूटी स्नैपिंग से यहाँ पे दो किल तो ले लिए, लेकिन अभी भी गेम ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाली है। बिकॉज मेन दिक्कत यहाँ आने वाली है, अगर हम एक बंदा नॉक करते हैं और वहाँ पे हम रश करेंगे तो भाई वहाँ पे क्या होगा। फिलहाल उससे पहले कहीं जैसे यहाँ पे लूट कर रहा होता हूँ भाई साहब, तभी सामने की तरफ से कुछ फायरिंग शॉट आते हैं। अब यार वो बंदे होते हैं सामने वाली बिल्डिंग में ऐसा मुझे लग रहा था, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसे बंदे पीछे हैं। अब मैं उनकी पोजीशन कंफर्म करने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, लेकिन भाई साहब इतने में एक बंदा जो बिल्डिंग के अंदर आ जाता है, तो मैं वापस आता हूँ और यहीं पर वापस अपने बैठ जाता हूँ। अब देखो गाइस यहाँ पे अगर स्नाइपर मारूंगा तो वो बंदा ऐसे पीक ना दे दोबारा, तो मैं देखो पहले चलाऊंगा शॉटगन और उसके बाद भाई साहब इसे फंसाएंगे अपने चंगुल में। और ये बंदा नॉक, और ये बहुत ही अच्छा मौका था सामने पुश करने का, तो मैंने फटाफट एक सोनिक पावर फेंकी और तेरे भैया उसका जो टीममेट भी आता है। अब मैं तुम्हें सही बताऊं तो मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पता कि मेरे हाथ में जो शॉटगन है, तो जैसे ही मैंने शॉटगन चलाई भाई साहब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा तो शॉटगन है, तो मैं वापस से स्नाइपर चेंज करता हूँ और उसके बाद अंदर घुस के उस बंदे को भर देता हूँ। मतलब सही में गाइस इस डुओ को क्या ही मारा। फिलहाल गाइस आगे बढ़ने से पहले भैया यहाँ मिल जाता हमको ये बॉट। अब बॉट में इसलिए दिखा रहा हूँ कि भैया इससे मिलने वाली है स्नाइपर जो कि हम प्रदान करेंगे अपने घातक को, बिकॉज उसे अब तक स्नाइपर नहीं मिली। अब फिलहाल गाइस यहाँ पे देखो मौसिन हमको मिल चुकी है, तो मौसिन और कार 90 जोड़ी यहाँ पे चलने वाली है। और जैसे इस तरफ आता हूँ सामने बंदा है और जो कि वहाँ पे स्मोक करके आया, यानी कोशिश कर रहा है। फिलहाल जो भी गाइस कंफर्म करने के लिए वहाँ पे क्या हाल चाल है, हम चल पड़ते आए की तरफ। और गाइस यहाँ पे देखो लगातार फायरिंग साउंड आ जा रहे हैं। अब यहाँ सामने वाले दो बंदे तो घातक ने भर दिए, बट उन्हें मारने वाले बाकी बंदे ये थे। हमें सामने वाले बंदे को मारने पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इतने में जो उसका दूसरा टीममेट है वो मेरी तरफ चला आ रहा है, तो जल्दी से मैं थोड़ा पीछे आता हूँ वरना पता चले स्नाइपर के चक्कर में हमारा डब्बा जो यहीं पे बन चुका है। बट जो भी गाइस यहाँ पे देखो एक बंदा सामने है और एक बंदा राइट साइड में, तुम देख ही पा रहे हो। खड़ा वो वाला बंदा तो ज्यादा पीक विक नहीं देता है, लेकिन इतने में भैया ये भाई साहब आते इस तरफ, बिकॉज इन्हें लग रहा है यहां पे मैं हूं अकेला।
और भाई सही में इसके साथ उसके टीममेट को क्या ही भरा, मतलब सही में गाइस अगर मजा आया ना तो कसम से लाइक वेक्टर ठोक दो। और अभी भी ऐसे बहुत सारे मूवमेंट आने वाले जैसे तुम कहोगे वाह बेटी वाह स्वाद आ गया। फिलहाल इससे पहले गाइस यहाँ पे सारे बंदे निबट जाते हैं और हम चले आते हैं रोजो खेल पे, लेकिन यहाँ भी हमें कोई खास खबर नहीं थी, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन गाइस जैसे जैसे निकलने की तैयारी करते हैं फिर स्कूल की तरफ से आते हैं कुछ फायरिंग शॉट। अब वो फायरिंग शॉट कंफर्म करने के लिए तो यार वहाँ पे हम रश तो नहीं कर सकते, तो हम एक काम करते थे गाइस, ये था स्कूल आउट ऑफ जोन, तो हम जो इस रिस पे चले आए और यहाँ पे अपनी गाड़ी रोक ली और यहीं पे कैंप करने लगते हैं। कब ये बंदा आएगा और अपनी बाइक को लेने के लिए तब हमसे जो भर देंगे। लेकिन यार काफी वेट करने के बाद वहाँ पे कोई होता ही नहीं है, तो हम चले आते हैं वापस जोन की तरफ। लेकिन जैसे इस तरफ आ रहा होता हूँ लेफ्ट साइड में दिख जाती है ये बगी। अब ये साइज से वो है कि नहीं बंदा ये तो मुझे नहीं पता, बट इतना पता है कि सामने एक बंदा है और जो कि अभी अभी इस बिल्डिंग की तरफ घुसा है। फिर भाई साहब जो पूरा पीछे फॉलोबैक कर चुके हैं, तो उनकी जो पोजीशन कंफर्म करने के लिए मैं सामने की तरफ एक सोनिक पावर थ्रो करता हूं एंड। ये भैया बिल्कुल यहाँ ही आ चुके हैं। अब देखो यार स्नाइपर ओनली चैलेंज है मानता हूँ, लेकिन यार ग्रेनेड वगैरह तो चल सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले ग्रेनेड को करा और इसी के साथ हमने जो इस बंदे को भर दिया है। फिलहाल मैं तुम्हें सही बताऊं तो इस पूरी गेम में मैंने सिर्फ ये एक ही बंदा है जो कि स्नाइपर के बिना मारा है, बाकी सारे तो स्नाइपर किल ही है। फिलहाल जल्दी से ज्यादा लूट करते हो चल पड़ते हैं वापस और बंदों की तलाश में। और जैसे ही आते हो ड्रॉप की तरफ, वो देखो मेरे को ड्रॉप पे जाता है एक बंदा दिख चुका है। फिलहाल गाड़ी हम अपनी यहीं पर रोक देंगे, बिकॉज देखो हम ARVR नहीं चला रहे हैं वरना तो सीधे घुस भी जाते, लेकिन यहाँ पे थे स्नाइपर तो भैया हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं एंड देन। अब भाई ये किल ऑब्वियसली मेरा हो जाता अगर उसके पास सेकंड लेवल का हेलमेट होता, बिकॉज मैंने भी उसे हेड ही मारा था मतलब सही में। बट जो गाइस यहाँ पे ये किल तो नहीं मिल पाया, बट जैसे ही मैं हील कर रहा होता हूँ भाई साहब तभी आती है यहाँ पे एक डासिया, और भाई सही में उन डासिया वालों को मैं क्या ही भरने वाला हूँ, बस तुम वो देखना। अब यार ये शॉट देखकर कभी कभी तो लगता है कि मतलब मेरे सच्चा स्नाइपर कोई हो ही नहीं सकता, फिर मेरे को अपनी औकात याद आती है, वो ऐसे थोड़ी देर में तुम देख ही लेना। लेकिन उससे पहले कसम से ये शॉट आपको लगा कैसा, बेशक तुक्के वाला था मानता हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो मेहनत मेरी थी, तो अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता है। बाकी गाइस यहाँ पे देखो स्टंटबाजी खाता की पूरी, मतलब मेरे गेम में इसको जो भी दिखाना होता है सारी स्टंटबाजी मेरी गेम में दिखाता है और कहीं नहीं दिखाता। फिलहाल गाइस जैसा से यहाँ से निकलेंगे अपनी डाचा को लेकर वापस से, लेकिन तुम्हें सही बता रहा हूँ इसके सस्ते नसीब अभी खत्म नहीं हुए हैं। फिलहाल कई जोन में था ये सेंटर में सिर्फ और सिर्फ एक घर, तुम यहीं पे आकर रुक जाते हैं और अपना बसेरा जो यहाँ पे बसा लेते हैं। अब ऐसा इसलिए था बिकॉज जोन में रह गए सिर्फ और सिर्फ दो बंदे, तो हमें लगा यहाँ पे हम छत पे चढ़ के बंदे स्पॉट कर सकते हैं। अब वैसा होगा तो जरूर, लेकिन अब भाई सही में मेरी किस्मत इतनी माशाल्लाह की पूछो ही मत, मतलब भाई कसम से फिर से थर्ड लेवल का हेलमेट, फर्स्ट हेड मेरा, सेकंड हेड घातक का, और इसके चलते बंदा नॉक। लेकिन भाई सब क्या ही कहूँ, फिलहाल के यहाँ पे हम पुश तो नहीं करने वाले थे बिकॉज वो बंदे भी आउट ऑफ जोन थे और हम भी, तो हमने डिसाइड कर हम चलते हैं जोन में। लेकिन कसम से इस ड्राइवर ने ना मेरी गेम की अस्थिर कर दी नहीं है, बिकॉज यहाँ से आएगा सफर हमें पैदल ही तय करना पड़ता है, तो हम चले आते हैं आगे वाले घरों की तरफ और बंदे अभी भी जोन के बाहर ही थे। फाइनली देखो गाइस ये घर भी आउट ऑफ जोन है और मेरे हिसाब से वो बंदे भी आउट ऑफ जोन है, तो यहाँ पे देखो हमने एक बंदा नॉक कर दिया, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चलते हैं।
अब यार यहाँ से बस हम नौकरी कर पा रहे थे बंदे, और ज्यादा टाइम था भी नहीं, तो हमें लगा कि ये जोन से ना मर जाए तो हम थोड़ा सा आगे पुश कर देते हैं। अब भाई सही में यहाँ पे लास्ट दोनों बंदे वैसा ही हुआ जैसा हमने सोचा था, जोन से ही गए। बट जो भी था गाइस, हमने जो है अपना स्नाइपर ओनली चैलेंज कंप्लीट कर दिया है। तो आपको लगा कैसा वो तो जरूर बताना कमेंट करके, अगर अच्छा लगा है तो हिट दैट लाइक बटन, चैनल पर तो सब्सक्राइब करवा देगा। मैं मिलता हूँ कल फिर से, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू, हिट एंड सेव गाइस, एंड जस्ट कीप सेफ।